हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई। अभी मैं एक यूट्यूब में चैनल बनाया स्पेशल हम लोग का, जो दुबई में आदमी लोग काम कर रहा है लेबर में, टेक्नीशियन में, जो भी उसका बारे में सबको बताने के लिए। और दुबई का जो आइन कानून है, कंपनी में क्या रूल रेगुलेशन है, कंपनी बहुत कुछ मेरा भाई लोग को मालूम नहीं है। तो इसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल खोला। कभी मैं वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक किसी में भी बनाया नहीं, लेकिन मैं सोचा कि जो मेरा साथ हुआ मुझे पता नहीं चला। मैं बहुत यूट्यूब देखता हूँ, फेसबुक वीडियो देखता हूँ और टिकटॉक भी देखता हूँ, लेकिन ये जानकारी मुझे कहीं से भी नहीं मिला, जिस वजह से मुझे ये यूट्यूब चैनल खोलना पड़ा और उसका बारे में सबको बताने के लिए सोचा जो मेरा साथ दुबई में हुआ है। सही है, तो मेरा चैनल जो है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मेरा चैनल लेबर लाइफ है, उसका नाम लेबर लाइफ। उसको सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब जब वीडियो डालूँगा तब आप लोग को पता चलेगा बहुत कुछ है। हम लोग मैं 12 साल से दुबई में काम कर रहा हूँ और फिर भी मुझे बहुत कुछ जो जानकारी नहीं था, अभी मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा साथ एक हादसा हुआ, तो जिसका बारे में मैं सबको बता के सबको सचेत और थोड़ा मतलब जानकारी देगा, जिस वजह से फ्यूचर में किसी का ऐसा प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, सब लोग इसको फॉरवर्ड कीजिए और सबको जानकारी दीजिए दुबई में जो लेबर लोग रहता है कैसे रहता है और वो लोग कैसे उन लोग का ड्यू टाइम होता है, सैलरी टाइम होता है, और सब कुछ मैं बताएगा। कि वो हम लोग को नॉर्मल मालूम है कि दुबई हम लोग आएंगे सुबह 7 बजे से ड्यूटी है, शाम को 6 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाए, ऐसा हर कंपनी में नहीं है। नॉर्मल तो ड्यूटी टाइम जो है 8 घंटा है सबका, हर कंपनी में जो गवर्नमेंट का नियम है रूल्स है, लेकिन उसको छोटा छोटा कंपनी जो लोग है वो लोग उसको फॉलो नहीं करता है, अपना मर्जी में ड्यूटी कराता है, लेबर को ज़्यादा लेट तक काम कराता है, ओवर टाइम देता है, लेकिन वो आदमी को उसका दिल भी नहीं है कि वो एक आदमी 10 घंटा काम करने के बाद थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, उसके ऊपर और लोड और प्रेशर दिया जाता है कि उसको 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक, 10 बजे तक उसको ज़बरदस्ती काम करा जाता है। तो उसको वो जाके कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते, कंप्लेन करेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इधर तो कानून है, दुबई तो सबसे अच्छा जगह है, जितना गल्फ में जितना सिटी है जितना जगह है हम लोग को काम करने के लिए, लेबर के लिए और हर चीज़ के लिए दुबई जैसा कहीं नहीं है। मुझे जितना मालूम है दुबई को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी 12 साल से यहाँ का काम करता हूँ। पहले एक कंपनी में मैं 9 साल काम किया, एक कंपनी में भी मेरे को 3 साल हो रहा है, मैं इसी में काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जो है मेरा वो रियली जो प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि जो लेबर लोग है दुबई में या जो आना चाहता है दुबई काम करने के लिए, तो मेरा वीडियो पूरा का पूरा देखिए, और उसमें हर वीडियो में मैं आपको नया नया जानकारी दिएगा, और उसका बाद में जो काम का बारे में आपको सिखाएगा क्या काम कैसा करा जाता है, जो नया आदमी आता है इंडिया में काम करके, दूसरा कंट्री में काम करके, दुबई का काम का बारे में, दुबई का एक्सपीरियंस उन लोग को नहीं होता है तो उनको हेल्प हो जाएगा। मैं उनको बहुत अच्छा से और क्लियरली उन लोग को बताएगा इंटरव्यू कैसा होता है, कैसा इंटरव्यू में क्या, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होता है, जैसे ट्रेड वाइज इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, एसी हो, उसका बारे में मैं आइडिया दूंगा, और उसका बारे में मैं सबको बताएगा कि जैसे इंटरव्यू में वो लोग वही क्वेश्चन आंसर क्लियर करके थोड़ा अच्छा सैलरी में आ सकता है दुबई और काम करने के लिए। सही है, ऐसे काम भी बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भाई लोग को मालूम है, लेकिन वो लोग बोल नहीं पाता इंटरव्यू इंटरव्यू में बराबर, जिस वजह से उन लोग का सैलरी 200 दिरहम 100 दिरहम कम लगता है। तो ये सब चीज़ का बारे में मैं बताऊँगा, और बाकी जो मेरा साथ क्या हुआ दुबई में, कौन सा हादसा मेरा साथ अभी हो रहा है, तो उसका बारे में भी मैं सबको बताऊंगा। तो इसके ये इसका बाद में मेरा बात सुनने का बाद जो जो आदमी सुनेगा उन लोग को ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा दुबई आने के लिए, दुबई आके काम करने के लिए। तो ये वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट जो वीडियो में बनाएगा उसमें मैं डिटेल बताएगा मेरा साथ पहले हुआ क्या है। इसमें सिर्फ इतना ही बताता हूँ, दुबई में जो लेबर लोग रहता है, लेबर लोग आता है कोई भी कंट्री में आता है, लेबर का जो लाइफ होता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत कष्ट उन लोग को उठाना पड़ता है, घर छोड़ के फैमिली छोड़ के आता है, और उसके बाद इधर काम का प्रेशर, टाइम पे सैलरी नहीं मिलना,
दूसरा जो जो बाकी तबीयत खराब होना, अपना खुद का काम खुद करना, जैसे सुबह 5 बजे उठ के जाएंगे, रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है। छोटा छोटा कंपनी में, ज़्यादातर कंपनी में यही होता है। बहुत अच्छा कंपनी भी है लेकिन उसमें सबको तो जॉब नहीं मिल सकता है, सब लोग उसमें तो जॉब नहीं करता है। बहुत सारे छोटा मोटा कंपनी में आदमी जॉब करता है, काम करता है, लेकिन उसमें लेबर का तो बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। स्टाफ लोग का थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जो वर्कर लोग हैं, लेबर बोलेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई हेल्पर है, कुछ सिर्फ लेबर बोला जाएगा। लेबर कैटेगरी बोलेगा तो हम लोग सब है, जो भी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, सीनियर प्लम्बर है, सर्जेंट है, फोरमैन है, वो सब लेबर कैटेगरी में जाता है। तो वो उसमें हेल्पर से लेकर फोरमैन तक सब लोग को, हम लोग इधर का जो मिनिस्टर है उसका नाम है लेबर मिनिस्टरी। भले वो मैनेजर का पोस्ट में आए, वो इंजीनियर का पोस्ट में आए, जो भी आए लेबर कैटेगरी में हो जाता है, उसको लेबर मिनिस्टरी का अंडर उसको काम करना है, लेबर मिनिस्टरी का रूल रेगुलेशन का अंडर में काम करना है। दुबई में जो लेबर मिनिस्टरी है वो बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्ट देता है लेबर के लिए, विशेष करके ज़्यादा। बस लेबर का गलती नहीं रहना चाहिए, लेबर का कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, लेबर कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा जो कानून का बाहर है। बहुत दुबई में कानून है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएगा क्या क्या कानून लेबर को ज़्यादा तरफ से फॉलो करना चाहिए, कौन सा एग्रीमेंट करके आना चाहिए और कौन सा एग्रीमेंट में कैसा उसको ड्यूटी करना चाहिए, सब मैं एक एक वीडियो बना के मैं सबको बताऊँगा। मेरा जो बाकी किसको मालूम हो ना हो, मेरा जो दोस्त लोग है, मेरा जो भाई लोग है, मेरा जान पहचान रिश्तेदार लोग है, वो सबको ये बात मालूम होना चाहिए कि दुबई ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी, हम लोग इतना सालों से आया, काम किया, गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आया एक कंपनी में 9 साल काम करके, बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी में मैं भी छुट्टी गया, आया, छुट्टी गया, आया, ऐसा बहुत बार किया। कंपनी के पास लास्ट में काम नहीं था तो वो हमें निकाल दिया, बहुत आदमी को निकाल दिया कि जब काम नहीं है कंपनी तो बैठा के पैसा नहीं देगा, तो हम लोग खुशी खुशी में गया था। तो ऐसा भी बहुत सारे आदमी है जो दोस्त लोग है, बोलेगा हम लोग इतना सालों से हम लोग दुबई में रह रहा है और हमको ये कुछ सिखा रहा है नया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत भी जो है जो आपका साथ हुआ नहीं है तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। मेरा, मैं भी 12 साल से दुबई में हूँ लेकिन मेरा साथ कभी हुआ नहीं था, जिसका वजह से मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, इतना सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि मैं दुबई में कंपनी का ऊपर केस किया हूँ, कंपनी मुझे बहुत परेशानी किया, कंपनी मुझे सैलरी नहीं दिया, 2 साल काम करने का बाद कंपनी मुझे ना मेरा वीसा कैंसलेशन कर रहा है कि मैं दूसरा कंपनी में जॉब करूँ या घर जाऊँ, या ना मुझे पैसा दे रहा है, मेरा बैलेंस, सैलरी, लीव, ग्रेजुएटी जो भी है वो कुछ नहीं दे रहा है। सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है, वो चाहता था कि मैं उसका साथ और दूँ, उसका साथ में और भी 2 साल 4 साल काम करूँ, लेकिन जितना सैलरी कम में हुआ और जितना काम करा रहा है वो मुझे पसंद नहीं था। मेरा एग्रीमेंट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का, मैं 2 साल करने का बाद भी और 2 महीना जो वीसा में टाइम था वो भी मैं पूरा किया, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा से प्यार से वो जाने नहीं देता है, जिस वजह से मैं कंपनी के ऊपर केस किया हूँ दुबई कोर्ट में। और मेरे को भरोसा है दुबई का कोर्ट, लेबर कोर्ट बहुत अच्छा है दुबई में, वो मुझे मेरा न्याय मिलेगा, मेरे को मेरा पैसा मिलेगा। अभी ऑलरेडी 2 महीना से मेरे को एक जॉब का ऑफर मिला है लेकिन मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? पुराना कंपनी में जब तक आपका लेबर और वीसा कैंसलेशन नहीं होता है तब तक नया कोई भी कंपनी में जाके ज्वाइन नहीं कर सकता है। ये कंपनी से डबल सैलरी में मुझे जॉब मिला है लेकिन मैं उसको करने के लिए ये प्रॉब्लम में अभी फंसा हूँ। तो अभी तक मेरा 3 दफ़ा जो कोर्ट का जजमेंट आता है, 3 दफ़ा मेरा हो गया है। लास्ट दफा जजमेंट मेरा 27 को है, 27 में मेरा जो फाइनल जजमेंट आता है उसमें मुझे पता चल जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो उसका बाद मेरे को दूसरा कंपनी में जाके जॉब करना है और ज़्यादा लेट हो रहा है तो मैं फिर इंडिया चला जाऊँगा, दोबारा फिर मैं इंटरव्यू दे के दूसरा कंपनी में आऊँगा। सही है? तो भाई यही है मेरा प्रॉब्लम अभी। और इस जो ये जो मैं बताया आपको, शॉर्टकट में बताया कि कंपनी का ऊपर केस किया, किसके लिए किया, और केस करने के लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है, और कितना दिन लगता है दुबई में कोर्ट में केस जाने के लिए, केस जाने के बाद क्या क्या होता है। और इस अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि पहले जज साहब हमारा सामने आते थे और आदमी को सामने बैठा के, अरबाब को सामने बैठा के बात करके फाइनल करता है, अभी वैसा नहीं होता है। अभी कोरोना वजह से ऑनलाइन में सब होता है, वीडियो कॉलिंग जैसे मीटिंग होता है तो वीडियो कॉलिंग में जज साहब बात करता है आदमी लोग का साथ, भले हिंदी में बात करता है लेकिन वो बात बराबर क्लियर जब नहीं होता है, कट जाता है, दोबारा कनेक्ट नहीं होता है, 1 तारीख में मतलब 1 डेट में जो फाइनल होने वाला चीज़ वो 2-3 डेट चला जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम होता है अभी लेबर कोर्ट में केस करने पर। तो
तो बाकी जो जो है डिटेल में आपको प्रूफ का साथ आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आप लोग को सबको बताऊंगा कि दुबई में कौन सा हिसाब से आना चाहिए, कौन सा कंपनी में आना चाहिए, कौन सा एग्रीमेंट में आना चाहिए, आने से पहले क्या क्या जांच करना चाहिए और वो जांच करने के लिए किस किस का मदद चाहिए, सब कुछ मैं डिटेल बताऊँगा। वो हिसाब से आप लोग आके दुबई में काम करेगा तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, शांति से रह सकता है, बिना टेंशन में आप फिर काम ख़त्म करके आपका घर जा सकता है। मेरा जैसा 2 साल काम करने का एग्रीमेंट पूरा करने का बाद भी इतना टेंशन में अभी मैं हूँ और इतना परेशानी में मैं हूँ, इतना पैसा भी मेरा खर्चा हो रहा है। मतलब पहले मैं आने से पहले अच्छा से ये कंपनी के जांच नहीं किया था और जानकारी था कंपनी का, जो अरबाब था वो मेरा जान पहचान था, पहला कंपनी में वो हमारा इंजीनियर था और हम लोग बहुत सालों से साथ में रहा, एक ही कंपनी में काम किया। लेकिन अभी वो ऐसे चेंज हो जाएगा और अपना स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम करेगा तो वो पहले मालूम नहीं था। तो अभी जो भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोग को सबको बताऊँगा जी। तब तक आप लोग अच्छा से रहिए, ठीक ठाक रहिए।